हेलो स्टूडेंट्स आना वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल दिस इज शिफा मैम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन गाइडली आई वेलकम यू ऑल गाइज इन टुडेज इवनिंग एट पी एम सेशन वेर एन वी आर टारगेटिंग फॉर आर अपकमिंग एस बी आई क्लर्क मेन्स टू थाउजेंड ट्वेंटी आई होप स्टेइंग गुड एंड सेफ एंड यू प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग मेन्स एग्जाम आर गोइंग ऑन रियली वेल राइट सो गाइज विद दिस लेट्स प्रोसीड विद टूडेज सेशन राइट आज हम लोग कुछ एग्जाम बेस्ड अप्रोच पे कुछ एरर स्पॉटिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ वर्ड्स पे आपके क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एस बी आई क्लर्क में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है इस तरह के क्वेश्चन तो एरेड स्पॉटिंग और वर्ड्स पे आपके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो एवरी वन लाइक एंड शेयर द सेशन जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए आई होप गाइज आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू यू ऑल क्लियर है मैं सभी को ऑडिबल और विजिबल हूँ तो इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं

और जो इरोनियस पार्ट है वो आपको देखना है कि कौन सा इरोनियस पार्ट है और एरर फ्री वाला जो होगा वो आंसर होगा क्लियर चलिए सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी नो द करेक्ट आंसर एवरी वन लविशा प्रियंका नागा वेरी गुड इवनिंग सबको बहुत गुड इवनिंग भाई चलिए देखते हैं सी अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हिज बॉडी होगा ना अट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड मैन की बात कर रहा है तो एक छब्बीस साल का ओल्ड आदमी की बात कर रहा है अट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड मैन तो ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड मैन के लिए यहां पे हिज आ जाएगा ना हिज बॉडी उसके रॉन्ग साइड में था उसका लिवर और हार्ट बॉडी वॉज ऑपरेटेड और उसको ऑपरेट किया गया था अपॉन इन इन अ हॉस्पिटल इन इंदौर सिटी ठीक है और उसको इंदौर सिटी में hospital में हॉस्पिटल ऑपरेट किया गया था ऑफ मध्य प्रदेश सच दैट ही कुड डोनेट सो दैट होगा ना सच दैट गलत है सो दैट होगा पे सो so दैट ताकि वो क्या कर सके डोनेट कर सके वन ऑफ इज ऑर्गन देखो वन ऑफ लगा है हमेशा हमने आपको बताया था वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होता है वन ऑफ इज ऑर्गन होना चाहिए ना अपने जितने भी ऑर्गन्स है उनमें से एक ऑर्गन को ताकि अपने फादर को वो डोनेट कर पाए समझ आई बात क्लियर है अ 26 इयर ओल्ड मैन हुज लिवर एंड हार्ट वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिज बॉडी वाज ऑपरेटेड अपॉन एन हॉस्पिटल उसको ऑपरेट किया गया एक हॉस्पिटल में इंदौर सिटी में मध्य प्रदेश में सो so दैट होगा ना कि सच दैट होगा सो दैट ही कुड वन ऑफ हिज ऑर्गन्स

अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कौन सा एरर फ्री है ये बताना है जिसमें एरर है वो नहीं बताना है एरर फ्री वाला बताना है कि किस पार्ट में एरर नहीं है क्लियर बात समझ आ रही है एंड इंग्लैंड वर कॉल्ड ऑफ एट द लास्ट मिनट ड्यू एंजाइटी अमंग द इंडियन प्लेयर्स ऑफ अ पॉसिबल कोविड 19 आउटब्रेक इन द टीम व्हाट्स द एरर हियर इसमें क्या एरोनियस पार्ट कौन सा है एरर फ्री कौन सा है द फाइनल एंड द फिफ्थ एंड फाइनल टेस्ट मैच एमंग इंडिया एंड इंग्लैंड अब देखो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच होगा ना दो के बीच में तो एमंग तो गलत है यहाँ पे बिटवीन आएगा दो की बात के लिए बिटवीन लगता है तो ए वाला तो एरोनियस होगा मतलब ये एरर फ्री तो हो नहीं सकता ये वाला ऑप्शन अब आगे बताइए क्या हो सकता है नेक्स्ट इसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट चेक करिए कह है द फिफ्थ एंड फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो पांचवा टेस्ट मैच था वो कॉल्ड ऑफ हो गया इंडियन मतलब प्लेयर्स के, के, के अमंग बहुत ज्यादा एंगजाइटी थी पॉसिबल कोविड नाइनटीन आउटब्रेक इन द टीम को लेकर बहुत ज्यादा एंगजियस थे इंडियन टीम मेंबर और इसलिए लास्ट मोमेंट पे जो मैच था वो क्या हो गया उसको कैंसिल कर दिया गया ठीक है तो इट शुड बी गाइज यहाँ पे क्या करेक्शन आएगा ड्यू के साथ टू प्रपोजिशन लगता है ना ड्यू टू रीजन बता रहा है तो सी बी में भी एरर है और बी में देखो सिंगुलर की बात करा है, टेस्ट मैच ठीक है पांचवा टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तो इंडिया एंड इंग्लैंड के लिए बिटवीन आएगा ए में बी में सिंगुलर वर्ब आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंडीशन है और सी में आपका ड्यू टू हो जाएगा तो ए बी एंड सी दीज आर द इरोनियस पार्ट ये आपके इरोनियस पार्ट है इसका मतलब आपका करेक्ट कौन सा है डी और ई डी और ई ये वाले दोनों पार्ट क्या है दीज आर द एरर फ्री पार्ट ये दोनों एरर फ्री है तो डी ई डी ई बी इज द करेक्ट ऑप्शन बात समझ आ गई क्लियर हुआ चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है द तालिबान है swearing एंड सेरेमनी ऑफ इट्स कैबिनेट वाइल रशिया वन ऑफ द सेलेक्ट इनवाइटीज has said it will not participate on any cap capacity इसमें बताएं guys i hope concept clear हो रहा है. चलिए. what's the error over here द तालिबान हाँ द तालिबान देखो सिंगुलर है तो द तालिबान के साथ पहली बात तो हैज हाँ लगेगा हैव हाँ नहीं लगेगा ठीक है द तालिबान हैज हो जाएगा आगे क्या कह रहा है कह रहा है द डिफरिंग इन सेरेमनी इन्होंने क्या किया स्वेरिंग इन जो शपथ लेने वाली सेरेमनी थी उसको डिफर किया उसमें कुछ अड़ लगाया ऑफ इट्स कैबिनेट कैबिनेट अपने cabinet की बात कर हैं ना तो आई टी एस इट्स पोजिशन लगेगा आई टी ए पोस्ट ऑफिस का मतलब इट तो इज होता है तो ए और बी तो बी में तो एरर है तो मतलब ये आंसर हो नहीं सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता मतलब ये वाला एर, एर, एरर फ्री पार्ट होगा तो ये वाला क्योंकि ए और बी में तो एरर है तो ना तो ए आपका एरर फ्री है ना तो बी एरर फ्री तो ये दोनों ऑप्शन हट गए तो बी ही आंसर आपका बनेगा अब आगे देखो क्या कह रहा है कह रहा है तालिबान हैज द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ इट्स कैबिनेट अपने कैबिनेट की तो अपने कैबिनेट के लिए इट्स आएगा आई ना कि आई टी या ऑफिस इट्स लगेगा आगे देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट इसके बाद अब इसके बाद आगे कह रहा है यहां पे कैबिनेट रशिया वन ऑफ़ द ठीक है है तो आगे कह रहा पार्टिसिपेट नहीं करेगा अब देखो ऑन की जगह पे इन आ जाएगा पार्टिसिपेट इन एनी कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मे के सेंस में ऑन गलत है यहाँ पे इन आना चाहिए समझ आई तो ए बी और ई दीज आर दीज आर द इरोनियस पार्ट ये आपके इरोनियस पार्ट्स हैं और एर फ्री पार्ट कौन सा है सी डी तो बी इज द करेक्ट आंसर समझ आई बात क्लियर है अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए इसमें कहां पे एरर है कौन सा एरर फ्री है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एक मिनट जस्ट अ मिनट राइट साइड पोर्शन नॉट विजिबल एक मिनट एक मिनट जस्ट अ मिनट अभी विजिबल है आई होप अभी सबको विजिबल है गाइस राजू यादव सिया आई होप अभी विजिबल है प्रॉपर है चलिए इसको बताइए लेट लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन देखते हैं क्या कह रहा है अब यहां पे देखो क्या कह रहा है सीबीआई टीम प्रोबिंग द रुपीज टू फिफ्टी करोड़ हिमाचल करोड़ होगा ना कि किस होगा 250 करोड़ इज द सेंस समझ आ रही है 250 करोड़ ना कि 250 करोड़ों ऐसा तो नहीं बोलते ना 250 करोड़ होता है ठीक है तो इट्स शुड बी इन दिस सिंगुलर फॉर्म करोड़ होगा ना कि करोड़ होगा तो ए वाला तो एरोनियस er er है मतलब ये आंसर बी आंसर तो हो नहीं सकता आगे कह रहा है सीबीआई टीम प्रोबिंग सीबीआई टीम जो है वो प्रोब कर रही है प्रोबिंग द रुपीज टू फिफ्टी करोड़ हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप स्कैम हैज पॉइंटेड आउट इसने पॉइंट आउट किया है ए इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंट ठीक है एलिग इग्नोरेंस देखो एंड नेग्लिजेंस होना चाहिए ना एंड लगा है आएगा तो इग्नोरेंस के साथ होना चाहिए पे तो इट शुड बी लगेगा ends लगेगा फॉर्म ना इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस तो सी पार्ट में भी एरर निकल गई है बी वाला करेक्ट है आपका इसका मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में बी आएगा तो मतलब या तो ए आंसर होगा या डी तो अब ए या डी ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है ये देखना है तो कह रहा है अ सीबीआई टीम प्रोबिंग द रुपीस 250 करोड़ हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप स्कैम हैज पॉइंटेड आउट एलिग इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस ये देखो आपका पैरेललिज्म है इन द पार्ट ऑफ सीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एज वन ऑफ द रीजंस रिजल्टिंग इन साइफनिंग ऑफ ग्रांट्स ठीक है तो अब आगे क्या है व्हाट्स द इन द नेक्स्ट पार्ट अब देखो डी पार्ट में आपका क्या होना चाहिए वन ऑफ द रीजन्स रिजल्टिंग इन साइफनिंग ऑफ ग्रांड्स क्या ये करेक्ट है इज द इज इट द करेक्ट सेंस ऑन द पार्ट ऑफ होना चाहिए ना ऑन द पार्ट ऑफ इट शुड बी ऑन द पार्ट ऑफ यहां पे आप पर आपका देखो डी वाले सेंस में कह रहा है इन द पार्ट ऑफ गलत है ऑन होना चाहिए यहां पे इट शुड बी ऑन नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ ठीक है इस पर सीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर के हिस्से पर तो पर के सेंस में ऑन लगेगा एंड नेगलिजेंस इग्नोरेंस एंड नेगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ सीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर दिस इज द करेक्ट फॉर्म तो ए सी और डी दीज आर द एरोनियस पार्ट्स ये आपके एरोनियस पार्ट्स हैं इसका मतलब एरर फ्री कौन सा है बी और ई बी एंड ई इज द दीज दिस इज द एरर फ्री पार्ट क्लियर बात समझ आ गई तो बीई e. इसका मतलब A. Option. Correct answer बनेगा right? समझ आ गई बात क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन एंड बी जेंडर सेग्रीगेटेड एंड इस्लामिक ड्रेस इज कंपलसरी द हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन द न्यूली तालिबान गवर्नमेंट ने यह बात बोली है अब इसमें बताइए क्या एरर है विमेन इन अफगानिस्तान जो है वो जारी रख सकती हैं अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडिंग होना चाहिए ना इस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं की बात आ रही है तो इंक्लूड गलत है इंक्लूडिंग होगा यहाँ पे इंक्लूडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में शामिल कर रहे हैं तो रहे हैं का सेंस आ रहा है तो इंक्लूडिंग हो जाएगा ठीक है है बात समझ आ रही इंक्लूडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज देखो कॉमा लगाए तो आगे नाउन फॉर्म आएगा अब इंक्लूडिंग जो है ये यह यहाँ पे एक जिरंड का काम कर रहा है जिरंड क्या होता है वर्ब का आई फॉर्म जब आपके सेंटेंस में किसी नाउन का काम करता है तो वो आपका जिरण्ड कहलाता है समझ आई तो यहां पे इंक्लूडिंग एक जिरण फॉर्म है कह रहा है विमेन अफगानिस्तान में अब जारी कर सकती हैं अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटीज में हम इसको शामिल कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड बी जेंडर सेग्रीगेटेड और क्लासरूम्स जो होंगे वो जेंडर सेग्रीगेटेड होंगे आगे कह रहे हैं एंड इस्लामिक सेग्रीगेटेड एंड इस्लामिक ड्रेस इज कंपल्सरी लेकिन अब यहाँ पे लेकिन का सेंस आएगा एंड गलत है भाई बट आना चाहिए लेकिन तो जेंडर सेग्रीगेटेड होगा लेकिन इस्लामिक ड्रेस कंपल्सरी होगा समझ आई तो सी पार्ट में लेकिन का सेंस आएगा बट ठीक है तो वुमेन इन अफगानिस्तान जो है वो यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है तो ये तो पॉजिटिव नोट में बात है लेकिन उनको इस्लामिक ड्रेस में रहना पड़ेगा दिस इज अगेटिव कॉन्टेक्स देखो कंट्रास्टिंग सेंस की बात कर रहा है ना तो इसलिए यहाँ पे बट लगेगा विल बी जेंडर सेग्रीगेटेड जेंडर सेग्रीगेटेड होंगे क्लासरूम मतलब बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग बट इस्लामिक ड्रेस इज कम्पल्सरी इस्लामिक ड्रेस कंपल्सरी होगा उसके बाद भी द हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन द न्यूली तालिबान हायर एजुकेशन मिनिस्टर है न्यूली तालिबान उसके उसमें ये बात कह रहे हैं अब देखो न्यूली जो है ये गलत है यहाँ पे क्योंकि एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं तालिबान गवर्नमेंट न्यू इन द न्यू तालिबान गवर्नमेंट होना चाहिए ना तालिबान गवर्नमेंट तो नाउन है और कैसी है नई तो जो नई तालिबान गवर्नमेंट है तो न्यू इज एन एडजेक्टिव एडवर्ब की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है तो ये हो जाएगा कंपल्सरी द हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन द न्यू तालिबान गवर्नमेंट सेड नई तालिबान सरकार में जो गवर्न जो लोग आए हैं मिनिस्टर्स जो आए हैं उन्होंने ये बात बोली है ठीक है बोला है समझ आई तो फिर एरर पे थी ए करेक्ट है बी भी करेक्ट है आपका यहां पे एरर आपकी सी पार्ट में थी और एरर आपकी कहां पे है एरर इज इन बी पार्ट में भी है बी सी और ई दीज आर द एरोनियस पार्ट बी सी e, ये आपके इरोनियस पार्ट है इसका मतलब ए और डी एरर फ्री पार्ट ये आपका एरर फ्री पार्ट है तो ए डी इज द करेक्ट आंसर यही आपका आंसर हो गया समझ आई बात क्लियर है ना चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अ लेजिस्लेचर फ्रॉम घटलोदिया इन अहमदाबाद एंड अ बिल्डर बाय प्रोफेशन Bhupendra Patel was chosen unanonymously at the BJP Legislative Party's meeting held at Kamalam, the party headquarters in Gandhinagar. What's the error here? Ah, but, Hoga, very nice. Great answer guys, perfect answer, perfect. चलिए देखते अ अलेगिस्लेचर फ्रॉम लेगिस्लेचर नहीं होगा लेगिस्लेटर होगा एक लेगिस्लेटर समझ आ रही है लेगिस्लेचर तो आपका सिस्टम होता है लेगिस्लेटर होगा एक लेगिस्लेटर तो इट शुड बी अ लेजिस्लेटर एक लेजिस्लेटर जो है घटोदिया से अहमदाबाद में एंड अ बिल्डर और जो कि एक बिल्डर है प्रोफेशन के द्वारा लेगिस्लेटर जो होती है वो गवर्नमेंटल बॉडी होती है जबकि लेजिस्लेटर जो होता है एक कोई इंसान जो कि एक इन लॉ को क्या करता है क्रिएट करता है ठीक है तो अ पर्सन एक कोई इंसान जो कि क्या करता है लॉ को क्या करता है क्रिएट करता है उसको लेजिस्लेटर बोलते हैं और लेजिस्लेचर जो होती है गवर्नमेंट बॉडी को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं समझ आई बात क्लियर है तो लेजिस्लेटर होगा लेजिस्लेटर कहाँ से बिलोंग कर रहा था घटो घटलोदिया से जो कि अहमदाबाद में एक जगह है और वो एक प्रोफेशन से वो एक बिल्डर भी था भूपेंद्र पटेल वॉज चूज उसको अनएनिमसली चूज किया गया था ठीक है एट द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टीज ठीक है पार्टीज मीटिंग पार्टी की मीटिंग की बात कर रहे तो देखो पार्टीज प्लूरल सेंस गलत है पार्टी में लगना चाहिए ना पार्टी की मीटिंग तो की का पोजीशन आ रहा है पार्टी में तो की का पोजीशन के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे ना पोजीशन है एट द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टीज मीटिंग जो की पार्टी की मीटिंग कहाँ पे हुई थी हेल्ड एट कमल आम द पार्टी हेडक्वार्टर इन गांधीनगर और जो पार्टी का हेडक्वार्टर है वो कहां पे है गांधीनगर में अब देखो हेडक्वार्टर की जगह पे हेडक्वार्ट होना चाहिए ठीक है द पार्टी इन गांधीनगर पार्टी के जो हेडक्वार्टर है ठीक है वो गांधीनगर में है ठीक है तो यहां पे हेडक्वार्टर नहीं होगा शुड भी हेडक्वार्ट कई सारे हैं ठीक है क्लियर बात समझ आ रही है कोई दिक्कत कोई परेशानी चलो हेडक्वार्टर में हमेशा हेडक्वार्टर्स लिखते हैं चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो इट इज हेडक्वार्टर्स नॉट हेडक्वार्टर समझ आ रही है बात क्लियर है तो हेडक्वार्टर्स ही लिखते हैं चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो फिर देखो एरर कहाँ पे थी ए पार्ट में एरर थी आपकी और दूसरी एरर आपकी डी पार्ट में थी और एक एरर ई पार्ट में तो ए डी ई दीज आर द एरोनियस पार्ट ये आपके एरोनियस पार्ट है इसका मतलब एरर फ्री पार्ट कौन सा है एरर फ्री पार्ट आपका बी और सी है बी एंड सी इज द एरर फ्री ये आपका एरर फ्री पार्ट है बी सी तो इट बी सी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्लियर बात समझ आ गई ना चलो अगला क्वेश्चन देखो इसको बोलो साइंटिस्ट एट जापान साइंटिस्ट एट जापान हिरोशिमा यूनिवर्सिटी हैव आइडेंटिफाइड होगा ना Identifiable तो 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 होता होता है। है, है। के के में लगता वाला साथ verb का third form आएगा ना, तो identified हो जाएगा। Have identified. लोगों ने इस बात को आइडेंटिफाई किया है तो ए में तो एरर है मतलब ए आंसर तो हो नहीं सकता अब या तो आंसर बी हो सकता है या सी हो सकता है सी में से कुछ आंसर हो सकता है क्लियर आगे देखो क्या कह रहा है कह रहा है तो हमारे हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के जो जापान में जो ये यूनिवर्सिटी उसके जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इस बात को आइडेंटिफाई किया है टू ड्रग्स दैट इमिटेट द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स दो ऐसे ड्रग जो कि किस क्या करते हैं इफेक्ट देखो यहाँ पे गलत है नाउन फॉर्म आएगा जबकि इफेक्ट तो वर्ब है द इफेक्ट होना चाहिए ना दा लगा है आर्टिकल तो दा के साथ इफेक्ट इज अ नाउन फॉर्म एंड इफेक्ट इज अ वर्ब फॉर्म तो बी में भी एरर है आपकी तो ए बी होगा नहीं मतलब ये डी तो आंसर होगा नहीं ठीक है आगे देखो क्या कह रहा है एक इफेक्ट इफेक्ट ऑफ केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक ठीक है सिगरेट के स्मोक में जो केमिकल्स होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं आगे कह रहा है टू बाइंड टू रिसेप्टर सेल्स जो कि रिसेप्टर सेल को क्या करता है बाइंड करता है समझ आ रही है बात क्लियर हो रही है इन्फिनेटिव फॉर्म के लिए तो डी में भी आ है इसका मतलब ए बी और डी दीज आर एरोनियस पार्ट ये आपके देखो एरोनियस पार्ट है और फिर जब ये एरोनियस होगा तो बचा हुआ कौन सा है बचा हुआ सी और ई e है तो सी और ई e क्या है दीज आर द

ठीक है टू इन्फेक्ट ह्यूमन ह्यूम को इन्फेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक चीज गाई ये एस नहीं होगा ठीक है वायरस में सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगेगा क्योंकि एस ऑलरेडी लास्ट में दिया हुआ है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताएं इसमें क्या एरर है वर्ड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़े इसको चलिए देखते हैं क्या कह रहा है लेट सी अब देखो क्या कह रहा है ध्यान से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने बोला है दैट बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर शुड एम्ब्रेस डिजिटाइजेशन टूवर्ड्स एंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट स्कीम्स रीच्ड गवर्नमेंट स्कीम जो है वो पहुंची है गवर्नमेंट स्कीम रीच नहीं होगा रीच प्रेजेंट का यूज करेंगे ना has, देखो has लगा है. Said, बोला है कि right? इसके अलावा लोगों तक पहुंचे ठीक है बिसाइड क्या करेक्ट है यहाँ पे नहीं इसकी जगह पे बिसाइड्स होगा के अलावा के सेंस में बिसाइड लगता है वाइडर रीच ना? Adopting, वर्ब आना चाहिए adopting, इसको एडोप्ट करने के अलावा हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को एडॉप्ट कर रहे हैं उसके अलावा वाइडर रीच के लिए हम क्या हमें क्या करना चाहिए इंश्योर इन, इन, करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कीम जो है वो गरीब और जो डाउन प्रोडन जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक पहुंचे

डाउन प्रॉडन का मतलब नीचे तबके के जो लोग होते हैं जो अनसिविलाईज लोग होते हैं जो गरीब मतलब अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं जो गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं दैट इज जो बिल्कुल लोअर क्लास जो बीपीएल फैमिलीज वाले लोग होते हैं ठीक है ये अभिषेक एरर फ्री वाला बताना है कौन से में एरर नहीं है वो आंसर होगा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन इसको बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस विल डिलीवर थ्री रफेल फाइटर्स पर मंथ पर महीने फ्रांस जो है वो तीन रफेल फाइटर्स को क्या करेगी डिलीवर करेगी विल डिलीवर फ्यूचर की बात कर रहा है डिलीवर करेगी सही है फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स विद द लीस्ट विद द लीस्ट ऑफ विद द लीस्ट क्या लीस्ट यहां पे करेक्ट है हम्म इज लीस्ट द करेक्ट फॉर्म ओवर हियर नहीं लीस्ट की जगह पे क्या होना चाहिए लास्ट होना चाहिए ना पोजीशन की बात कर रही है लास्ट ऑफ दर्टी सिक्स कॉन्ट्रैक्टेड ओमनी रोल जो फाइटर्स हैं तो लास्ट लेवल की बात कर रहा मंथ्स विद द द लास्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ओमनी रोल फाइटर्स जिसमें हम कैरी कर रहे हैं ऑल थर्टीन इंडिया स्पेसिफिकली ठीक है स्पेसिफिकली देखो एडवर्ब है इसकी जगह पे क्या इंचमेंट देखो नाउन है तो स्पेसिफिक इंचैंटमेंट होना चाहिए ना स्पेसिफिक जो है टिव फॉर्म बिकॉज इंटैंटमेंट इज अम नाउन का क्वालिफायर क्या होता है एडजेक्टिव होता है तो स्पेसिफिक आएगा स्पेसिफिक इंचैंटमेंट टू बी डिलीवरी इन जनवरी टू बी के साथ डिलीवर्ड होना चाहिए टू बी डिलीवर्ड जो की जनवरी दो हजार बाईस में डिलीवर किया जाएगा टू बी के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म आएगा तो टू बी प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डिलीवर्ड जो की जनवरी दो हजार बाईस में डिलीवर किया जाएगा समझ आई बात क्लियर है तो देखो ए वाला तो आपका करेक्ट था फ्यूचर की बात कर रहा है बी वाले में एर थी सी वाला भी करेक्ट है इसका मतलब ए और सी ये क्या है दिस इज द एरोनियस पार्ट और एर आपकी थी बी डी और ई सो दीज आर द

पिंक बॉल बॉल बॉम अटैक ऑन कॉटन क्रॉप हेज रिपोर्टेड इन वेरियस मानसा एन भटिंडा डिस्ट्रिक्टिलेजेस विच आर द मेनली कॉटन स्मोन एरिया इन द सदरन मालवा बेल्ट इन द स्टेट इसमें क्या है अटैक ऑन क्रॉप हैज रिपोर्टेड सही है रिपोर्टेड होगा ना रिपोर्ट किया गया है प्रेजेंट की बात कर रहा है पैसिव वॉइस में है तो स्टेटमेंट देखो पैसिव वॉइस में है यहाँ पे तो गाइज ये स्टेटमेंट आपका देखो पैसिव वॉइस में है रिपोर्ट किया गया है तो पिंक ब्लोन आ, पिंक बॉल बॉम अटैक जो है कॉटन क्रॉप पर तो कॉटन क्रॉप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है 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 समझ आ रही है? तो पिंक बुलवॉर्म अटैक जो कॉटन क्रॉप पे हुआ है इसको रिपोर्ट किया गया इज रिपोर्टेड होगा इसके साथ वर्ग का थर्ड फॉर्म आएगा इन वेरियस मानसा एंड भटिंडा के बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट विलेजेस में गांव में हुआ है आगे क्या कह रहा है आगे क्या एरर है ठीक है विच आर द मेनली कॉटन विच आर द मेन कॉटन स्वोन एरिया जो कि मेनली गलत है कॉटन स्वोन नाउन फॉर्म है तो यहाँ पे मेन होगा ना कॉटन मेन कॉटन स्वोन एरिया जहां पे कॉटन की बोआई होती है एरिया है इन द सदर्न मालवा बेल्ट इन द स्टेट जो साउथ एरिया के जो मालवा बेल्ट है स्टेट के वहां की बात कर रहा है अब बेल्ट की जगह पे देखो बेल्ट होगा मालवा बेल्ट इन द स्टेट होगा ना कि बेल्ट होगा समझ आ गई बात प्लूरल नहीं होगा तो यहां पे हो जाएगा आर द मेन कॉटन स्पोन क्योंकि दा आर्टिकल है दा के साथ एडजेक्टिव लगेगा कॉटन द नाउन फॉर्म द मेन कॉटन एरियाज मतलब कॉटन की जहां बोवाई होती है साउथ की मालवा बेल्ट में स्टेट में वहां पे ये मेन एरियाज हैं जहां पे कॉटन को कॉटन कौ, की प्रोडक्शन होती है ठीक है तो ए पार्ट में एरर थी देखो यहाँ पे इज आएगा और आपकी एरर कहाँ पे है बी पार्ट तो देखो करेक्ट था सी पार्ट में एरर था और एरर आपका डी पार्ट पार्टी सी पार्ट में एरर हो गई और आपकी ई पार्ट में एरर है ना ए सी ई दीज आर दार्ट फिर एरर फ्री कौन सा है एरर फ्री है आपका बी एंड डी दिस इज द एरर फ्री पार्ट क्लियर बी डी मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसको बताएं चलिए देखते हैं लेट सी इन अ लैंडमार्क डिसीजन द दिल्ली डिसीजन में ठीक है अब एक लैंडमार्क डिसीजन में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है हैज दैट कैन बी रजिस्टर्ड इन द वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ पार्टीज मैरिजेस को पार्टीज uh, की वर्चुअल प्रेजेंस में रजिस्टर किया जाएगा नोटिंग इट कैन नॉट अलाउ अ रिजिड इंटरप्रिटेशन इस बात को नोट करते हुए कि ये क्या है रिजिड इंटरप्रिटेशन को क्या नहीं करेगा अलाउ नहीं करेगा द स्टैच्यू टू प्रिवेंट सिटीजन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर राइट क्या एरर है इसमें इन अ लैंडमार्क डिसीजन डेली कोर्ट ने हैज रूल्ड हैज के साथ रूल सही है दैट क्या रूल किया है कि मैरिजेस कैन बी रजिस्टर्ड इसको मैरिजेस को कैन बी के साथ रजिस्टर्ड सही है वर्चुअल रजिस्टर होगी पार्टीज की वर्चुअल दोनों तरफ की पार्टी प्रेजेंट होगी और उनके प्रेजेंस में मैरिज को रजिस्टर किया जाएगा नोटिंग इस बात को नोट करते हुए इट कैन नॉट अलाउ अ रिजिड इंटरप्रिटेशन कि इसमें कोई रिजिड इंटरप्रिटेशन नहीं होगा चेंज नहीं होगा में टू प्रिवेंट ताकि सिटीजन को प्रिवेंट किया जा सके कि अपने वो राइट को एक्सरसाइज कर पाए तो पूरा स्टेटमेंट देखो तो बिल्कुल करेक्ट है no करेक्ट आंसर no अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्वीट बाई ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इन विच ही शेयरियंस ऑफ टेकिंग इट्स पेरेंट्स फॉर देर फर्स्ट फ्लाइट हैज नाउ वन पीपल हार्ट इन्होने क्या किए लोगों के दिल जीते हैं इसमें क्या एरर है द ट्वीट बाय ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट ट्वीट गलत है ए ट्वीट होगा ए ट्वीट ट्वीट एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा एक ट्वीट थी नीरज चोपड़ा के द्वारा जिसमें उन्होंने शेयर किया था इन विच ही हिज एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग टेकिंग हिज पेरेंट्स होगा इट्स क्यों आएगा नॉन लिविंग के लिए इट्स लगता है टेकिंग हिज पेरेंट्स फॉर देयर फर्स्ट फ्लाइट

बाय ओलंपियन बाय ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इन विच एक ट्वीट दिया गया है ठीक है जिसमें कि उन्होंने शेयर किया ही शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग हिज पेरेंट्स हिज पेरेंट्स होगा यहाँ पे फॉर देर फर्स्ट फ्लाइट है तो फिर एरर फ्री है आपका बी और डी बी एंड डी इज द एर फ्री पार्ट तो बी डी इज द परफेक्ट आंसर बात समझ आ गई अगला क्वेश्चन देखें इसको बताएं इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत से फटाक फटाक से करो एग्जाम में यही अप्रोच होनी चाहिए समझ आ रही है सब लोग क्या कर रहे हैं मुझे दो चार लोग ही एक्टिव दिखते हैं और क्या है आप लोगों का वाई यू पीपल आर जस्ट नॉट गेटिंग इन टू द सेशन सिर्फ कुछ ही बच्चे एक्टिव रहते हैं क्लास में कुछ ही बच्चे आ रहे हैं क्या दिक्कत है आप लोगों की बहुत सारे बच्चों का प्रिलिम्स क्लियर हुआ है इसमें बताएं क्या एरर है और फिर बोलते हो कि इंग्लिश में दिक्कत होती है इतना कराते हैं कराने के बावजूद दिक्कत हो तो बेकार है फिर कराना हम्म बोलो जल्दी से क्या एरर है तुरंत से देर होगा सी में ऑफ ऑमिट होगा अच्छा चलिए देखते हैं लेट सी क्या कह रहा है यूरोपियन रहा है तो हैव के साथ रिड्यूस्ड सही है Their presence, अपना प्रेजेंस की बात कर प्रेजेंस है यूरोपियन बैंक के प्रेजेंस की बात कर रहा तो -च -ए -च -ए तो है कर रहा। तो बी वाला तो एरोनियस पार्ट है ए एर फ्री है मतलब आंसर या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा इतना तो श्योर है क्योंकि ए तो एरर फ्री है आगे कह रहे प्रेजेंस इन टैक्स है आगे क्या कह बावजूद इसके despite of several, तो 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 के के साथ साथ तो लगता लगता नहीं है 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 कभी भी भी ये तो पता ही ना में आगे कह रहा है, several scandals, जो कि स्कैंडल्स स्कैंडल है तो हैव के साथ रिवील्ड सही है ये वाला द ड्यूबियस प्रैक्टिस मल्टी नेशनल अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टडी के अनुसार ये बात सामने आई है तो अब यहां पे देखो क्या ऑफ हट हट जाएगा डिस्पाइट के साथ नहीं लगेगा और आगे क्या हो जाएगा यूजर्स की जगह पे यूज हो जाएगा ना सिंगुलर फॉर्म की यूजेस नहीं होगा मल्टीनेशनल यूज टू अवॉइड यूज टू मतलब इस चीज की आदि हो गई है अवॉइड करने की कि वो टैक्सेस को अवॉइड करती है एक स्टडी के अनुसार ये बात सामने आई है ठीक है तो बी सी एंड ई दीज आर दार तो फिर एरर फ्री कौन सा है ए एंड डी दिस इज एरर फ्री पार्ट तो फिर आंसर क्या बनेगा बी नहीं होगा ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सेप्टेंबर टेन द सेंट्रल गवर्नमेंट देखो सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है सिंगुलर है तो हैज के साथ करेक्ट है द ऑफ नाम को मैंशन किया केंद्र सरकार ने दस सेप्टेंबर को लोगों के नाम मेंशन किए फाइव पांच राज्यों के नाम मेंशन किए विच आर इनोक्यूलेटिंग कोरोना वायरस वैक्सीन जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन को क्या कर रही है इनोक्यूलेट कर रही है लोगों को दे रही है फास्टर देन और तेजी से दे रही है सम ऑफ द टॉप फॉरेन नेशन से इंक्लूडिंग द यूएस यूएस से भी ज्यादा तेजी से हमारे भारत में कुछ पांच जगहों पे वैक्सीनेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है तो इसमें तो कोई एरर नहीं है स्टेटमेंट no बिल्कुल करेक्ट है कोई ग्रामेटिकल एर नहीं है अगला क्वेश्चन चेक करिए इसमें बताइए इसमें क्या एर है जल्दी से देखकर फटाक से आंसर बोलो पूरा करेक्ट है हाँ नो no एरर है ई है बहुत अच्छा आंसर है भाई वेरी नाइस nice. कुछ लोगों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है अभी अगला कह रहे हैं इवन एज द सेंटर इज रेडी बेल आउट पैकेज बेल आउट का मतलब होता है रिलीफ पैकेज राहत का जो पैकेज दिया जाता है ना लोगों को गरीब लोगों को जैसे हम कुछ राहत के लिए खाने पीने का सामान दें दैट इज कॉल्ड बेल आउट पैकेज ठीक है तो अब क्या कह रहा है इवन एज द सेंटर इज रेडी अ बेल आउट पैकेजेज फॉर द टेलीकॉम सेक्टर अब यहाँ पे रेडी की जगह पे रेडिंग होगा सेंटर इज रेडी केंद्र सरकार जो है वो रेडी हो रही है ठीक है हो रही है तो रेडिंग हो जाएगा आर ई ए डी वाई आई एन जी रेडिंग केंद्र सरकार जो है वो बेल आउट मतलब राहत का पैकेज तैयार कर रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा ना बात समझ आ रही है तो अब बी मेरे को पैकेजेस की जगह पे क्या हो जाएगा पैकेज हो जाएगा बेल आउट पैकेजेस नहीं होगा बेल आउट पैकेज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है ठीक है आउट पैकेज टेलीकॉम सेक्टर के लिए तैयार कर रही है केंद्र हाँ, क्योंकि पैसे में इज ओपन टू री एग्जामिन ये बिल्कुल खुली है इस बात को री एग्जामिन करने के लिए द प्राइस ऑफ फोर जी एंड फाइव जी स्पेक्ट्रम ठीक है क्या ये करेक्ट है हुँ? बताइए नहीं होगा ओपन होगा इज ओपन टू री एग्जामिन ये खुली है री एग्जामिन करने के लिए ओपन नहीं होगा इज ओपन होगा प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहा है ये खुली है ठीक है तो खुली है किस लिए खुली है री एग्जामिन द प्राइस प्राइस को दोबारा से एग्जामिन करने के लिए 4G, 5G स्पेक्ट्रम के प्राइस को दोबारा से एग्जामिन करने के लिए तो केंद्र सरकार जो है वो राहत पैकेज तैयार कर रही है कॉन्टिन्यूटी है तो रे, रेडिंग हो जाएगा ए पार्ट में और आपका फिर उसके बाद एरर आपकी ए पार्ट में है बी पार्ट में पैकेज सिंगुलर होगा बेल आउट पैकेजेस गलत है सिंगुलर होगा बेल आउट पैकेज होगा टेलीकॉम सेक्टर के लिए पैकेज ना कि पैकेजेस होगा बहुत सारे पैकेजेस की तो बात नहीं है आगे कह रहा है डी पार्ट में भी एरर है डी पार्ट में आपका टू इज ओपन टू री एग्जामिन ये खुला है री एग्जामिन करने के लिए तो दैट इज वाई दीज आर द पार्ट्स तो फिर एरर फ्री पार्ट कौन सा हुआ एरर फ्री आपका सी और ई e पार्ट हो गया ना तो सी ई इज एरर फ्री पार्ट तो दैट्स द आंसर सी ई क्लियर समझ आ गई ना अगला क्वेश्चन देखो इसको बताओ क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत से देखो और फटाक से आंसर आना चाहिए कांग्रेस कांग्रेस लीडर लीडर क्वेश्चन क्या कह रहा है राहुल गांधी किया है विभाजन हुआ है बाइफर्केशन हुआ है उसकी बात कर रहा है ठीक है आगे क्या कह रहा है बाइफर्केशन का जो निर्णय था ट्रिगरिंग इस बात को बढ़ाते हुए ट्रिगरिंग शार्प रिएक्शंस फ्रॉम द रूल्ड रियक्शन क्या करेक्ट है इट मेकिंग द करेक्ट देखो फ्रॉम द रूलिंग बीजेपी होगा रूल्ड बीजेपी नहीं होगा जो रूल कर रही है अभी भी तो रूल कर रही है ना बीजेपी रूलिंग बीजेपी दैट सेड द कांग्रेस है कांग्रेस क्या कांग्रेस के साथ have सही है नहीं कांग्रेस इज सिंगर तो हैज लगेगा ना द कांग्रेस के साथ सिंगुलर वर पाएगा हैज नॉट इवेंटली स्पेर्ड गॉड्स एट द आल्टर ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के आल्टर आल्टर का मतलब तो होता है जिसपे आप पूजा करते हो उसको आल्टर बोला जाता है क्या यह करेक्ट है करेक्ट सेंस नहीं तो फिर यहां पर क्या होगा स्पेर्ड hmm? नहीं होगा यहां पर क्या होना चाहिए इवेन होना चाहिए इवेन ठीक है नॉट इवेन स्पैर्ड ठीक है किस तरह से स्पार्ड है इवन स्पार्ड नहीं है नॉट इवन स्पार्ड इसको इवन स्पार भी नहीं किया गया गॉड्स को एट द अल्टर ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के सोर्स की बात कर रहा है पॉलिटिक्स के सोर्स पर समझ आई तो एट द अल्टर ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज करेक्ट तो इवन स्पार्ड होगा ठीक है ना कि इवनली स्पार्ड होगा समझ आई नॉट इवन स्पार्ड ठीक है Even लगेगा एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आएगा क्लियर है बात समझ आ गई तो फिर error कहां -कहां पे C में error है, D में है 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 और ए एंड इज द एरर फ्री पार्ट तो फिर ए बी तो मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हरियाणा में लीड इन मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा ने लीड रो रोल लिया है मैन्युफैक्चरिंग में इन मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर एज कंपेयर टू अदर नॉर्दर्न स्टेट्स दूसरे नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में जो आईटी सेक्टर है बट एज फार एज द रेगुलेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर इज कंसर्न लेकिन जब तक की हम बात कर रहे हैं कि जितना की हम डायरेक्ट सेलर का जो रेगुलेशन है उसको अगर हम देखें कंसर्न जब हम रख रहे हैं इट इज येट टू इम्ब्रेस मॉडल गाइडलाइंस की ये हमारी मोड लेवल की मॉडल का मतलब होता है मोड से रिलेटेड मोड लेवल की जो गाइडलाइंस है डायरेक्ट सेलिंग पे उसको क्या करे इम्रेस करे मतलब उसको देखे उसको समझे और उसमें अगर कोई बदलाव हो सकता है तो वो करे समझ आ रही है तो ये स्टेटमेंट देखो ऑल परफेक्ट है पूरा स्टेटमेंट इज परफेक्ट हरियाणा में हाव टेकन लीड इन मैन्युफैक्चरिंग इसने लीड रोल लिया है मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर करने में इन मैन्युफैक्चरिंग सही है एंड आई टी सेक्टर एस कम्पेयर टू दूसरे नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपेरिजन में आई टी सेक्टर जो है वो भी एक लीड रोल पर चल रहा है लेकिन जितना कि हम रेगुलेशन की बात करें डायरेक्ट सेलर के रेगुलेशन जब हम कंसर्न होते हैं इससे तो इट इज येट टू इम्ब्रेस मॉडल गाइडलाइंस अभी भी हमें मॉडल गाइडलाइंस को इम्ब्रेस करना अभी भी बाकी है डायरेक्ट सेलिंग पर तो अब बाकी स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है कोई भी एरर नहीं है तो फिर आंसर बनेगा नो एरर इज द करेक्ट आंसर ग्रामेटिकली स्टेटमेंट इज ऑल परफेक्ट समझ आई अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताएं क्या, है? क्या सही है एम टू वैक्सीनेट टुक एम एट एट होना चाहिए ना एम के बाद हमेशा एट आता है जब हम किसी चीज को टारगेट करते हैं टुक एम एट वैक्सीन रेजिस्टेंस उन्होंने एम लिया है जब हम किसी चीज का एम लेते हैं आई टुक एम एट क्वालिफाइंग द एग्जाम लाइक दिस ठीक है तो टुक एम के साथ एट प्रपोजिशन लगेगा फिक्स प्रपोजिशन तो यहाँ पे जब भी हम किसी चीज को टारगेट बनाते हैं वी मेक एनी टारगेट तो एम के साथ हमेशा एट लगाते हैं ठीक है बात समझ आ गई तो एम एट वैक्सीन रेजिस्टेंस दैट द करेक्ट फॉर्म इन अमेरिका एनाउंसिंग पॉलिसीज पॉलिसीज को अनाउंस करने के दौरान आगे कह रहे हैं रिक्वायरिंग मोस्टली फेडरल एम्प्लॉयज जिसमें ज्यादातर फेडरल एम्प्लॉयज की जरूरत है गलत है नाउन ना फॉर्म है? है और इसके साथ एडजेक्टिव आएगा तो मोस्ट ज्यादातर फेडरल इंप्लॉयज है कि वो ज्यादातर कोविड का वैक्सीनेशन ले एंड पुश लार्ज इंप्लॉयज और हम लार्ज एम्प्लॉय को क्या करें पुश push करें पुशिंग होगा ना पुश कर रहे हैं

समझ आई तो पैरलिज्म होगा तो यहाँ पे देखो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है अनाउंसिंग तो एंड के बाद यहाँ पुशिंग आएगा अनाउंसिंग एंड पुशिंग क्लियर समझ आई तो एरर आपकी ए पार्ट में थी एरर आपकी डी सी सी पार्ट में में है में है सॉरी ए और ना तो एरर आपकी ए में है एरर आपकी सी पार्ट में है फेडरल एम्प्लॉयज के साथ मोस्ट होगा ज्यादातर फेडरल इम्प्लॉयज की बात करें मोस्टली गलत है और डी पार्ट में एरर है पुशिंग होगा तो दीज आर द एरोनियस पार्ट तो so, इसका मतलब एरर फ्री पार्ट कौन सा है बी और ई दिस इज द एरर फ्री पार्ट क्लियर बात समझ आई को दिक्कत कोई परेशानी बीई तो ऑप्शन ए इज द मेक्स द करेक्ट आंसर चॉइस ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी नो द करेक्ट आंसर्स गाइस इसको बताएं वैक्सीनेटिंग क्यों होगा भाई कुछ लॉजिक लग, लगता है क्या लॉजिक से एट बता रहे हो? होगा हाँ। जब हम कोई टारगेट सेट करते हैं तो उस कंडीशन के लिए ए मैट लगाते हैं आई ए मैट क्लियरिंग एसबीआई दिस टाइम लाइक दिस टारगेट बना रहे हैं में क्लियर करना मेरा टारगेट है तो जब हम किसी टारगेट के सेंस में बात करते हैं तो एम के साथ एट लगता है concept सीखो समझो रटो नहीं रटोगे तो गलत होगा समझ आई क्लियर है कॉन्सेप्ट रटोगे तो गलत होगा हम बार बार कहते हैं ये चीज एरर इसीलिए तुम लोगों का गलत होता है क्योंकि तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखते तुम लोग सिर्फ ग्रामर को रटते हो रटना नहीं है प्रैक्टिकल अप्रोच सीखो समझो ठीक है कि कहां पे क्या लगता है जब समझोगे पढ़ोगे रीड करोगे न्यूज़पेपर मैगज़ीन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखोगे समझोगे तब आएगा ठीक है और सिर्फ रटोगे तो नहीं आएगा क्योंकि रटने में तो दिमाग लगाना नहीं है और दिमाग लगा के सीखोगे समझोगे तो करेक्ट होगा एरर एर आपका ठीक है तो सीखना समझना है ना कि रटना है इसको इसको बोलो क्या बनेगा चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना है यूनिटी एंड सैक्रीफाइस ऑफ यंग पीपल प्रायर टू फेथ ठीक है तो अब क्या ये करेक्ट है प्रायर टू फेथ नहीं होगा अक्रॉस फेथ होना चाहिए प्रायर टू का मतलब होता है कोई चीज हम बोलते ना प्रायर टू तो प्रायर टू का तो, को तो कोई मतलब है नहीं एंड सेक्रीफाइस ऑफ यंग पीपल अक्रॉस फेथ फेथ के क्रॉस यंग पीपल की बात कर करा है क्रॉस फेथ बिलीव एंड कम्युनिटीज हु टुक टू द स्ट्रीट जो कि स्ट्रीट पर आए सड़क पर उतर आए ठीक है अब यहां पे क्या कोई एरर है बिलीव गलत है बिलीव होगा सिंगुलर फॉर्म होगा बिलीव गलत है प्लूरल नहीं होगा फेथ बिलीव एंड कम्युनिटीज ठीक है फेथ की बात कर रहे हैं बिलीव की बात कर रहे हैं ठीक है बिलीव और कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं आगे देखो क्या to took, देखो क्या कह रहा है Take का past took है है took का to ताकि लोगों को authoritarian figures को वो challenge सके. The country, ये country को ये एक डेमोक्रेटिक राइट right देता है विच वर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ठीक है तो कंट्री को ये राइट right देता है और आगे क्या एरर है हाँ गिव्स देखो यहां पे गलत है गेव द कंट्री इसने कंट्री को एक राइट right दिया है पास्ट की बात कर रहा है ना तो पास्ट की बात के लिए यहाँ भी तो सेकेंड फॉर्म लगेगा टुक लगा है ना तो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस है तो गेव आएगा कि गिफ्ट आएगा गेव द कंट्री जिसने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक हक दिया था जिससे कि जो कि उसके लिए फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था विच वर बी टेकन जो कि फॉर ग्रांटेड हम ले रहे थे इसको तो कंट्री को एक हक दिया था इसके लिए ठीक है तो फिर एरर कहाँ पे है एरर आपकी सी पार्ट में है एरर आपकी गिफ्ट की जगह गेव होगा क्योंकि टुक की बात कर रहा है सी पार्ट में तो एरर आपकी डी पार्ट में भी है और आपकी डेमो विच वर ये तो करेक्ट था तो ए पार्ट सही है प्रायर टू हा बी में एर थी ना प्रायर टू की जगह अक्रॉस आएगा बी सी डी आर द समझ आई बात क्लियर हो गई तो ये हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना है यूनिटी एंड सैक्रीफाइस ऑफ यंग पीपल अक्रॉस फेथ फेथ के अक्रॉस यंग पीपल का जो यूनिटी और सेक्रीफाइस है समझ आई तो फिर एरर फ्री कौन सा है एरर फ्री है आपका ए और ई दिस इज एरर फ्री एज द मतलब बी ऑप्शन मेक्स द करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताए तुरंत से बोलो जल्दी से क्या बनेगा इसको रीडेवलप्ड चांदनी चौक चांदनी चौक नाउ फॉर ए रीडेवलप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है सही है दोबारा से जो डेवलप किया गया है चांदनी चौक हाल ही में उसको इनोग्रेट किया गया था चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने उसको इनोग्रेट किया है इस सेट टू तो बिकम अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मेजर गलत है भाई मेजर का मतलब तो स्टेप होता है मेजर होगा ना एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये हो गया है लोगों के लिए चांदनी चौक नहीं बट आफ्टर सनसेट एज वेल एज विध दिन में, well में बल्कि रात के समय में एज वेल सिर्फ होगा समझ आ रही है बात आफ्टर सनसेट एज वेल बल्कि सनसेट के बाद भी के बाद भीज well well तो कंपेरिजन के लिए लगता है ठीक है तो सी में भी एर है बी और सी में एर, एर है एज वेल well वे ठीक है विद द दिल्ली गवर्नमेंट प्लानिंग टू अलाउ स्ट्रीट फूड जबकि दिल्ली सरकार क्या कर रही है प्लान कर रही है कि वो अलाउ करेगी स्ट्रीट फूड स्टॉल्स टू स्टे ओपन कि वो ओपन रहे अनलेस मिडनाइट रात 12 बजे तक वहां खुले रहेंगे ठीक है आगे क्या कह रहा है अनलेस क्या अनलेस यहाँ पे गलत है वेयर एज अनलेस गलत है ना यहाँ पे अनलेस की जगह पे क्या होना चाहिए मिडनाइट देखो टाइम की बात कर रहा है रात के 12 पी एम तो टाइम है तो टाइम के लिए क्या लगता है टिल लगता है अनलेस नहीं लगता है अनलेस कंडीशन के लिए आता है समझ आई तो यहाँ पे अनटिल लगेगा अनटिल या टिल दोनों सही है ओपन तो स्टॉल्स टू तो स्टे ओपन तो इन्होंने अलाउ किया है और दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम यहाँ पे चांदनी चौक के एरिया में जो फूड के जो स्टॉल्स होते हैं स्ट्रीट फूड के वो रात 12 बजे तक खुले रहेंगे स्टॉल्स ओपन टिल

इन द क्वेश्चन बिलो एस इज गाइव नंबर्ड एंडलाइट इन बोल्ड फ्रॉम दस चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट शुड भी इंटरचेंज इन ऑर्डर टू मेक अटेंस ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल करेक्ट ठीक है तो गाइज दीज आर द्वेश्चन ये आपके वर्ड स्वैप के क्वेश्चन है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए ये एक कंडीशन है गलत है गलत इज अ कंडीशन नाउन आना चाहिए ना आर्टिकल ए लगाए तो रिक्वायर तो वर्ब है तो कंडीशन तो तो होना चाहिए वन टू में स्वैपिंग होगी ना वेयर द वेयर द कॉर्नियर टर्न्स फ्रॉम स्पेरिकल टू अ मोर कॉर्निकल शेप जहां पे हमारी जो की जो कॉर्निया पार्ट होता है वो टर्न हो जाता है स्फेरिकल से और ज्यादा कॉर्निकल शेप में हो जाता है एंड एंड रिक्वाय पेशेंट और पेशेंट को जरूरत होती है रिक्वायर require, पे आएगा पेशेंट टू 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 चेंज फ्रीक्वेंट होगा ना टू अंडर और पेशेंट को जरूरत होती है कि वो अंडरगो गो करें फ्रीक्वेंट चेंजेस इन स्पेक्टेकल्स उसको अक्सर चेंज करने पड़ते हैं स्पेक्टेकल्स विद द विथ द नीड फॉर इंक्रीजिंगली हायर पावर पावरफुल लेंसेज और बहुत जल्दी जल्दी जरूरत होती है कि आपको पावरफुल पावर power की लेंसेज जो है वो बार बार बदलने पड़ते हैं समझ आई बात क्लियर है तो स्वैपिंग आपकी वन और टू में होगी और थ्री और फाइव में होगी तो फिर आंसर क्या बनेगा वन टू थ्री फाइव मंथ मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ठीक है तो कैराटोपोनस ये एक कंडीशन है इज अ कंडीशन ए के साथ नाउन लगेगा कंडीशन और यहाँ पे शेप एंड रिक्वायर्ड पेशेंट पेशेंट को जरूरत होती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई इसीलिए देखो हम ज्यादा से ज्यादा एरर की क्लासेस आप लोगों को करवा रहे हैं जितना हो सकता है कि एरर को समझो समझ आ रही है बात एरर को रटोगे कॉन्सेप्ट को समझो सीखो प्रैक्टिकली इंग्लिश को समझने की कोशिश करो तो आएगा और रटने की कोशिश करोगे तो एक जगह पे कर पाओगे दूसरी जगह पे फेल कर जाओगे अगला क्वेश्चन इसको बोलो क्या बनेगा ट्रेडिशनली प्रोस्टेट कैंसर कैन हैव बीन हैव बीन के साथ प्रिस pre, तो नाउन है तो यहां तो वर्ब आना चाहिए ना कैन हैव बीन क्या बनेगा यहाँ पे बोलो वर्ब आना चाहिए क्या आना चाहिए यहाँ ट्रीटेड होगा ना वर्ब ट्रीटेड होगा कैन हैव बीन ट्रीटेड इसको ट्रीट किया जा सकता था लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से विच डज नॉट है प्रिस जिसमें कोई प्रिसीशन नहीं होता है प्रीशन ठीक है दैट रोबोटिक सर्जरी कैन कैन सर्जरी कैन अब आगे क्या होगा तो आपकी स्वैपिंग वन टू की हुई है आगे क्या बनेगा बोलो हम्म कैन कैन लेफ्ट कैन गिव होगा ना लेफ्ट तो गलत है कैन गिव एंड कैन रिजल्ट अबिट ऑफ द ट्यूमर बींग

एक छोटा ट्यूमर का बिट जो कि आपका छूट सकता है इससे भी ठीक है तो ये कोई आपको प्रसिक्शन नहीं देता है मतलब गारंटी नहीं देता है प्रसिशन का मतलब गारंटी नहीं देता है आपको ये कोई गारंटी नहीं देता है कि अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराओगे तो इसमें छूटेगा नहीं ठीक है हो सकता है छूट भी सकता है इसमें भी ठीक है तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन होगा ना वन टू और थ्री और फाइव की स्वैपिंग हुई है अगला देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताएं जल्दी से रोम्स अनलालाइकली रोम इज अनली रोम में अपोस्ट्रोफी है इसका मतलब रोम इज रोम इज अनलाइकली रूलिंग कोलिशन ऑफ द एंटीब्लिशमेंट फाइव स्टार मोवमेंट एम एस एस करेक्ट है एंड द सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी सीम्स फ्री क्या एरर क्या इसमें होना चाहिए मैनी क्या ये करेक्ट है वॉट

तो यहां पे सीम्स वर्ब है वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब आएगा तो अनवाइंडली यहाँ पे इज एन एडवर्ब जो कि सीम्स वर्ब को क्वालिफाई करेगा और अनवाइंडली गवर्नमेंट कर रहे गवर्नमेंट नाउन है फ्री यहाँ पे एडजेक्टिव है फ्री गवर्नमेंट इज अ करेक्ट फॉर्म ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए इसमें क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन टीम ऑफ ट्वेंटी एट में डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट में स्टीयर कर रहे थे ऑफ कॉमर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग जो कि डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है एडवाइज करने के लिए एडवाइजिंग द नेशन इकोनमी वु ये पर्टेन करेगी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एन इवन लार्जर टीम ऑफ थर्टी एट वुड एडवाइस थर्टी एट की टीम जो है वो एडवाइज कर रही ऑन मैटर रिव्यू टू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि रिव्यू कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को तो देखो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी परफेक्ट है इसमें तो कोई इंटरचेंज की जरूरत है नहीं दिस स्टेटमेंट इज ऑल परफेक्ट कोई भी एरर नहीं है

कोई एरर नहीं है तो फिर आंसर बनेगा नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड क्लियर समझ आई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें बताइए क्या होना चाहिए

नेशन की इकोनॉमी को क्या कर रही है इसको नेशन की इकोनॉमी को आ, मतलब ग्रो करना चाह रही है वुड ऑल्सो पर्टेनिंग वुड ऑल्सो रिव्यू ये क्या करेगी रिव्यू करेगी वुड ऑल्सो रिव्यू द एक्सपोर्टैक्ट इम्पोर्ट बैंक एन इवन लार्जर टीम ऑफ थर्टी एट वुड एडवाइज ऑन मैटर On matter, जो कि है, pertaining मतलब similar है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से जो सिमिलर मैटर है उनको भी क्या करेगी? Review करेगी। तो तो पे pertaining आ जाएगा। तो 1, 2, और 3, और 4 की होगी। मतलब ऑप्शन करेक्ट होगा वही में को कुछ गड़बड़ लग रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन इसको बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए अब करेक्ट है ठीक है चलो तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ठीक है चलो कई बार अपना भी दिमाग घूम जाता है कई बार आप लोग को बताते बताते खुद भी चीजें हो जाती हैं इसको बताइए इसमें टू आउटफ्लैंग टू एक्से होना चाहिए शायद से राइट right? क्या होना चाहिए यहां पे हम्म तो फर्स्ट और फोर्थ की इतना तो है। तो अमेरिकन जामर्स प्लेयर्स डिसाइडेड टू गो आफ्टर दस कि कहां पर जाएंगे टू गो आफ्टर द आफ्टर द क्या होना चाहिए हु? यहाँ पे सेकेंड वर्ड जो है ये डिसाइडेड है गो आफ्टर द डिसाइडेड मासेस ठीक है अनडिजर्व मासेस नहीं होगा डिसाइडेड मासेस हु ओनली आउटफ्लैंक द इंटरनेट विद स्मार्टफोन यहाँ पे आउटफ्लैंक होगा मतलब जरूरत से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया स्मार्टफोन्स के साथ टू एक्सेस द अमेरिकन जाइंट, अमेरिकन जाइंट को के तक पहुंचने के लिए इंडियन इंडियन ई कॉमर्स ने प्ले, प्लेयर्स ने डिसाइड किया निर्णय किया टू गो आफ्टर वो जाएंगे कहां जाएंगे टू गो आफ्टर द अनडिजर्वड मास अनडिजर्व सही है एक मिनट यहाँ पे कोई एरर नहीं है अनडिजर्व सही है वन और फोर्थ की एरर सिर्फ है यहाँ पे गाइज आपकी तो अनडिजर्वड मासज इज करेक्ट मासस इज नाउन फॉर्म अनडिजर्व जो है ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है यहाँ पे सही है ठीक है क्लियर है और आगे क्या कह रहा है कह रहा है टू गो आफ्टर द अनडिजर्व मासेस हु ओनली आउटफ्लैंग द इंटरनेट जिन्होंने केवल क्या किया इंटरनेट को आउटफ्लैंग किया है अपने स्मार्टफोन से क्लियर बात समझ आई तो फिर वन और फोर की स्पॉपिंग यहां थ्री नहीं होगा यहां फोर होगा

क्या बनेगा इन अ स्टॉक एक्सचेंज प्रोविजन क्या ये सही है स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग होना चाहिए ना फाइलिंग ऑन ट्यूजडे स्टॉक एक्सचेंज की जो फाइलिंग हुई है ठीक है स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग ऑन ट्यूजडे डिस्कलोजिंग द सेंट्रल बैंक रिस्क जो जिसने की सेंट्रल बैंक के रिस्क को डिस्कलोज किया है ठीक है तो फिर परफेक्ट सेंस क्या हो जाएगा आपकी स्वैपिंग देखो ए सी में होगी यहाँ पे दा लगा है तो दा के साथ नाउन आएगा ना फाइलिंग गलत है यहाँ पे यहाँ पे द प्रोविजन हो जाएगा ठीक है तो ए और सी की स्वैपिंग बनेगी यहाँ पे क्लियर और आगे देखो क्या कह रहा है इन अ स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग ऑन ट्यूजडे डिस्कलोजिंग द सेंट्रल बैंक रिस्क रिस्क एसेसमेंट होगा रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट क्या किस चीज की रिपोर्ट है असेसमेंट की रिपोर्ट है असेसमेंट रिपोर्ट एसबीआई ने बोला है एसबीआई सेड हैड इट टेकन इनटू अकाउंट अगर इसको अकाउंट में लिया जाता तो जो प्रावधान है जो कि आरबीआई की फाइंडिंग पे बेस्ड है द बैंक वुड हैव रिपोर्टेड अ नेट लॉस तो बैंक को कितना लॉस होता 6968 करोड़ का लॉस होता 2018 19 में बजाय इसके अपने क्या इंसटेड ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट बजाय इसके रिपोर्टेड प्रॉफिट के जो कि प्रॉफिट कितना था रिपोर्टेड प्रॉफिट 862 करोड़ का था ठीक है तो एसी और आपकी बीडी की स्वैपिंग होगी एसी बीडी मतलब सी ऑप्शन में द करेक्ट आंसर समझ आई बात क्लियर है अगला क्वेश्चन देखो इसको बताओ इसमें क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट रिपोर्ट होगा बिल्कुल सही है इसको बताएं द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विच इज टू बी विच इज टू बी टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा विच इज टू बी टेबल्ड टेबल्ड का मतलब जिसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में वेन्सडे के दिन जिसको प्रेजेंट किया जाएगा सीक्स टू अलाउ प्रोसेसिंग ठीक है सीक्स टू अलाउ उसमें सीख किया जा रहा है कि वो क्या होगी प्रोसेसिंग होगी वेंसडे के दिन उसमें जिसको प्रेजेंट किया जाएगा वेंसडे को पार्लियामेंट में ठीक है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा विदाउट द कॉन्सेंट बिना एग्रीमेंट के ओनर के एग्रीमेंट के बिना फॉर सेवरल रीजनेबल पर्पसेस के बहुत सारे रीजनेबल पर्पस हैं इसके आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है पर्पजेज रेंजिंग फ्रॉम नॉलेज फ्रॉम नहीं फ्रॉम के साथ रेंजिंग आएगा रेंजिंग फ्रॉम और परपजेस जो कि रेंजिंग है कहां से कहां तक की रेंज है रेंजिंग फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सर्च इंजन टू विसिल ब्लोइंग अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल विद नॉलेज ऑफिशियल जिसके पास जानकारी है ठीक है ऑफिशियल विद नॉलेज ऑफ द मैटर जिसके पास इस मैटर की जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ये बात सामने आई तो स्वैपिंग आपकी एबी में होगी और सी डी में होगी ठीक है इस टू बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट मतलब इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को क्या कर किया जाएगा पार्लियामेंट में सामने रखा जाएगा इस पे बात की जाएगी वेन्सडे के दिन इसको सामने लाया जाएगा ठीक है टू अलाउ 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 प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऐसा हो सकता है कि इस पे पर्सनल डेटा पे प्रोसेसिंग हो सकती है, है जो कि क्या है रेंज कर रहे हैं कहां से कहां तक रेंज है रेंजिंग फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सर्च इंजन टू विसिल ब्लोइंग अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल ऑफिशियल के अनुसार एक ये बात सामने आई है जिसको इस मैटर की जानकारी है ऑफिशियल विद नॉलेज ऑफ द मैटर दैट इज द करेक्ट सेंस समझ आई ए बी सी डी मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखो इसको बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज हैव अ डेफ्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ्टली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ये सही है इंफ्रास्ट्रक्चर तो नाउन है रीइनवेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ये हो सकता है इज इट द करेक्ट सेंस बताएं जल्दी से हम हैव डेफ्टली रीइनवेंटेड देमसेल्फ्स होना चाहिए यहां पे री इन्वेंटेड होना चाहिए इनवेंटेड दोबारा से इन्होंने डेफ लेवल पे क्या किया आपको री इन्वेंट किया है टू कार्टर टू द पैराडिम शिफ्ट इन कैपिटल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ये करेक्ट होगा ठीक है गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज गुड और गुड्स एंड पैरलिज्म है ना समान और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज है उसमें एक शिफ्ट करने के लिए पैराडिम शिफ्ट इज करेक्ट समझ आ रही है तो यहाँ पे री देखो वर्ब है और इस वर्ब का क्वालिफायर डेफ्टली आपका क्या है इज एन एडवर्ब ठीक है क्लियर है बात समझ आ रही है डेफ्टली का मतलब बिना मतलब आंख बंद करके इसको री किया है ठीक है बिना आ, मतलब बहुत ज्यादा इसके बारे में चीजें खोज भी नहीं की मतलब बिल्कुल आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करते हुए इसको किया मल्टीनेशनल कंपनीज ने ठीक है अपने आप को ताकि वो पैराडाइम शिफ्ट कर सके कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज में ठीक है तो यहाँ पे बीडी की स्वैपिंग होगी आपकी क्लियर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताएं जल्दी से हाँ भाई मैथ्स की तरह इंग्लिश में भी देखो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लग जाता है शॉर्टकट कहीं पे लग जाता है इंग्लिश में भी वन टू लाइनर क्वेश्चन में लग जाता है लेकिन पैराग्राफ वाले में आपको पढ़ना ही पड़ता है इसको बोलो जल्दी से करके द डिपेंडेंट फ्लो क्या ये सही है फ्लो इज अ नाउन फॉर्म डिपेंडेंट फ्लो का मतलब क्या है

खुद में कहीं ना कहीं टाइम पे निर्भर करने लगा कि मेरा भी वक्त आएगा वक्त पर छोड़ दिया द टेनस फ्लो ऑफ करेस्पोंडेंस जो मतलब बहुत ही कमजोर जो फ्लो था करेस्पॉन्डेंस का जो कि कंडक्ट हुआ था नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड लेटर्स के थ्रू मतलब हमने हमने उनको कुछ 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 बताया बताया उन्होंने उन्होंने किसी को को लेटर लेटर में में लिखा दूसरे लिख कर पास किया तो ये जो जो हमने फ्लो भेजा था वो बहुत कमजोर हो गया आगे बढ़ते बढ़ते जब लास्ट इंसान तक वो गया तो मेरा वाला जो चीज थी वो बहुत डिस्टॉर्ट हो गई ना तो वो बहुत ही कमजोर हो गया ठीक है और कह रहा थ्रू नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड लेटर वेन दे अराटेड मैटर्स मोर और कॉम्प्लिकेटेड मैटर को और ज्यादा बढ़ा दिया लिविंग वन और एक इंसान को क्या कर दिया डिपेंडेंट अपॉन टाइम इट कि इंसान खुद को टाइम पे छोड़ दिया कि समय के साथ साथ चीजें क्या है अपने आप शॉर्ट आउट हो सकती हैं तो यहाँ पे ए और डी के स्वैपिंग बनेगी आपकी तो फिर आंसर बनेगा ए ऑप्शन क्लियर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इसको बताएं क्या बनेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल were broken. were broken सही है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल थे वो टूट गए छोटे छोटे और थोटे गोल्स में टूट गए पिरामिड जैसे कि कोई पिरामिड पर गया होगा ना देखो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के साथ वर्ब आना चाहिए ना अंटिल दे रीज मी जब तक वो मेरे तक पहुंचते एट द बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द मैनेजरियल फूड चेन होगा ना मैनेजरियल बॉटम जो है लाइन है फूड चेन की मैनेजरियल लेवल की जो बॉटम लाइन चेन है वहां तक जब तक वो पहुंचते तो सी और डी की स्वैपिंग होगी ए बी तो सही है वर् ब्रोकन सही है डाउन द पिरामिड इज आल्सो करेक्ट ठीक है

क्लास को अगर अंडर एस्टिमेट करोगे भाई तो खामियाजा आप लोग खुद भुगतोगे समझ आई फिर बोलते हो मैम इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं एक्यूरेसी नहीं आ रही है एग्जाम जब दो दिन बचता है तो फिर लास्ट में आप लोग को सोचता है ये सारी चीजें पहले से बोलो कि अच्छे से प्रिपेयर करो पढ़ो अच्छे से अच्छे से प्रैक्टिस करो तो नहीं समझ आता है ठीक है तो बिल्कुल सीरियस हो गए क्लास में आइए समझ आ रही है बात क्लियर हो रही है तो बिल्कुल सीरियसली क्लासेस को करिए और खुद से बल्क में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए इंडिविजुअल इंग्लिश के मॉक टेस्ट दीजिए सेक्शनल प्रैक्टिस करो तो ये सारी चीजें करोगे तो डेफिनेटली इंग्लिश सेक्शन इंप्रूव होगा कोई ऐसे मेडिसिन नहीं है कि घोल के पिला दिया जाए और आप लोग को इंग्लिश बिल्कुल अच्छी आ जाए कि एग्जाम में आउट ऑफ थर्टी आउट ऑफ थर्टी स्कोर कर लो या फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी स्कोर स्कोर कर लो समझ आई वैसी कोई ट्रिक नहीं है क्लियर